की महिला को भारत का सर्वोच्च पद के लिए प्रत्याशी, राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसके लिए भी मैं अपनी ओर से, आपकी ओर से, सब झारखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की कृपा जिस प्रकार से यहां पर हम सब लोगों के साथ रहती है, आगे भी बने रहेगी और हम सब लोग एक शिक्षित झारखंड बनाने की जो कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, आज की वर्तमान पीढ़ी कर रही है, उसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। आगे भी हम सब लोगों को आशीर्वाद मिलते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय झारखंड, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गोड्डा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी को, वहां और हम सबको संबोधित करें। छोटे और सामान्य कार्यकर्ता का उत्साह वर्धन के लिए आए हुए दुनिया के सबसे लोकप्रिय गरीबों के, दलितों के, आदिवासियों के, वंचितों के, महिलाओं के मसीहा, हमारे अभिभावक, इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मंचासीन मंच, सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी का तो ये क्षेत्र है ही, ये जो देवघर है माननीय प्रधानमंत्री जी, महर्षि अरविंद के नाना राज नारायण बोस यही मरे, वो 20 साल तक वो यही रहे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भी ये भूमि है, उनका आखिरी जीवन यहीं बीता, 1908 में महर्षि अरविंद के साथियों ने जो बम विस्फोट किया वो भी यही बम विस्फोट देवघर में हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर यही शांति निकेतन बनाना चाहते थे, उन्होंने 200 एकड़ यहां जमीन लिया था, महात्मा गांधी की बात मैं बोल चुका हूं, लेकिन मैं अपनी बात 2 मिनट में समाप्त करूंगा। आज आप यहां आए, राम को जैसे केवट मिला, निषाद मिला, ये देवघर कॉलेज जो है, इस देवघर कॉलेज में मेरे 2 मामा प्रोफेसर हैं, इस कॉलेज कैंपस में ये कार्यक्रम हो रहा है और उसमें एक मामा जेल गए, 19 महीने इमरजेंसी में जेल गए, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ता था और जब इमरजेंसी में वो जेल चले गए तो मेरे पिताजी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, यहीं कहीं भीड़ में मेरे माँ पिताजी और सारे परिवार के लोग बैठे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको बर्खास्त कर दिया गया और मैं गांव चला गया। फिर मामा रिलीज हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष थे यहां देवघर जिला के। मेरी सिस्टर जो है यही पढ़ती थी इसी देवघर कॉलेज में और दशहरे का समय था, वो गांव गई, पेट में दर्द हुआ, गांव में रोड नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, ट्रैक्टर से ले जाते हुए मेरी छोटी बहन का डेथ हो गया और आप समझ सकते हैं कि आज आपने जब एम्स लिया, जब मैं एम्स जाता हूं तो मुझे सभी में अपनी बहन भी दिखाई देती है कि मैं अपनी बहन का जान नहीं बचा पाया, लेकिन आपने जो है ये बड़ा काम कर दिया, आपने बहुत उपकार किया, शायद जनता इसको कभी नहीं भूलेगी। आप आए इन्हीं शब्दों के साथ, जय जय भारत।